साथियों, पुलवामा हमले के बाद याद है ना, पुलवामा हमले के बाद हमारे वीर सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, आपका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया, आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ, भारत में भी दम है ये लगता है कि नहीं लगता है, हमारी सेना जो तय करे वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, आप लोग खुश हैं, आपका हौसला बुलंद है, आपके अंदर वही जज्बा है। लेकिन भाइयों बहनों, आप में ये जोश है, जुस्सा है, विश्वास है, लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे घर में ही सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, उनको नहीं आती है। पाकिस्तान को जो अच्छा लगे, पाकिस्तान को जो पसंद आए, ऐसी बातें हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करें, क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं, कर सकते हैं? क्या यह सेना का अपमान है कि नहीं है? वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कुछ लोग जो काम जानबूझ करके कर रहे हैं, ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कानपुर की धरती से लगा रहा हूं, आजादी के जंग में अहम भूमिका अदा करने वाले इस कानपुर की धरती से मैं इन लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहा हूं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार पर जिस प्रकार के गंदे आरोप लगा रहे हैं, इससे देश के दुश्मनों को ताकत मिल रही है, उनको बल मिल रहा है। अरे, स्वार्थ की राजनीति के कारण, मोदी विरोध के कारण हमारे राजनीतिक विरोधी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसका लाभ आतंकियों के सरपरस्त उठा रहे हैं। साथियों, अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन देश के दुश्मन इसका फायदा न उठाए, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है? कोई भी दल हो, सभी दलों की है कि नहीं है? हर एक नेता की है कि नहीं है? लेकिन ऐसी गैर जिम्मेवार बातें, भाइयों बहनों, आज जब पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव है, पाकिस्तान आतंकवाद में रंगे हाथों पकड़ा गया है, पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव कर रही है, ऐसे समय हमारे लोगों के बयान, हमारे ही देश में से कुछ लोगों के बयान पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्या उनका ऐसा करना शोभा देता है? क्या मत भूलिए, आपके बयानों को आधार बनाकर पाकिस्तान आप ही के बयानों को दुनिया में बांट रहा है, दिखा रहा है,
और पूरे विश्व में भ्रम फैला रहा है और ये पाप आपके कारण हो रहा है। मैं देशवासियों को कानपुर की धरती से कहना चाहता हूं, सीमा पार आतंकियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बीच आपने देखा होगा एक के बाद एक हमारी सरकार कदम उठा रही है, उसके कारण आतंकी अपना अंत सामने देख रहे हैं और जब अंत सामने दिख रहा है तो जरा बौखलाहट और बढ़ रही है। ये आतंकियों की बौखलाहट का परिणाम है कि जम्मू में कल फिर से इन्होंने आतंकी हमला करने का राक्षसी प्रयास किया है। जिस प्रकार हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और ये हमारी कार्रवाई का प्रभाव है कि आतंकी बौखलाएंगे, उनके सरपरस्त बौखलाएंगे, उनसे दाना पानी पाने वाले भी बौखलाएंगे और ऐसी स्थिति में मेरे देशवासियों, एक नागरिक के नाते हिंदुस्तान के हम सब नागरिकों को सतर्क रहते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की पहले से ज्यादा जरूरत है। साथियों, देश में एकता का वातावरण बनाए रखना बहुत अहम है। आप मुझे बताइए, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतनी चाहिए कि नहीं जीतनी चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? इसे कौन फेंक सकता है? इसको कौन खत्म कर सकता है? आतंकवाद को कौन नष्ट कर सकता है? भाइयों बहनों, मोदी नहीं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी खत्म कर सकते हैं। और इसलिए देश में एकता का वातावरण चाहिए, भाईचारा चाहिए, सद्भाव चाहिए और वही ताकत से मोदी फैसला ले पाएगा और आतंकवाद को कुचल डालेगा। भाइयों, मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश की एकता है, मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश का भाईचारा है, मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश में सद्भाव का वातावरण है और ये बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। साथ मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। ये लड़ाई जीतनी है और भारत जीतेगा, ये विश्वास रखिए। मैं आज हमारे योगी जी की सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। परसों लखनऊ में कुछ सिरफिरे लोगों ने हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो हरकत की थी उस पर यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और इसके लिए मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं। मैं अन्य राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश करे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।